हेलो फ्रेंड्स, आई एम राइव शर्मा फ्रॉम अमेरिकन इंस्टीट्यूट भोपाल। आपने आज जब इसका थंबनेल देखा होगा तो थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गए होंगे, क्योंकि हम लोग अकॉर्डिंग टू मी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, खासतौर से वे स्टूडेंट्स जो जीडी करने के बहुत शौकीन होते हैं, जीडी करते हैं, वो तो जीडी में हर बार यही बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी। मगर क्या आपको पता है ग्रामेटिकली ऐसा नहीं कहा जा सकता। बाकी सब कुछ कह सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू हिम बोली, अकॉर्डिंग टू हर बोलिए, अकॉर्डिंग टू डम बोलिए, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बोलिए, मगर अकॉर्डिंग टू मी नहीं कह सकते। अब ऐसा क्यों राइट? तो उसको समझते हैं। अब ऐसे इसलिए क्योंकि अकॉर्डिंग का मतलब होता है इस तथ्य के अनुसार, इस एविडेंस के अनुसार, इस सबूत के अनुसार, इस गवाह के अनुसार, एक तरीके से यानी कि आपके पास तथ्य है जिसके बेसिस पर आप ये पूरे विश्व के साथ कह सकते हैं। जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह से आपके साथ कुछ हो जाए तो आप पुलिस के पास जाते हैं, तो पुलिस आपसे पूछती है कि क्या सबूत है कि ऐसी घटना हुई आपके साथ, या कुछ ऐसा हुआ, या कोई गवाह है जो आप कह रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आप कभी जीडी के अंदर देते हैं, तो क्या सबूत है, तो आप बताते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया टीवी के अनुसार, सरकार के अनुसार, राइट? तो अगर आप पुलिस से कह, लेकिन अगर आप पुलिस से ये कहें मैं कह रहा हूँ, तो पुलिस कहती है भाई हम कैसे मान लें कि तुम सच बोल रहे हो। इसलिए आपको कोई गवाह या सबूत देना पड़ता है, तो आप उस वक्त जो सबूत या गवाह देंगे केवल तभी अकॉर्डिंग टू लगा सकते हैं आप, वरना नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके खुद की, आप खुद अपनी बात के गवाह नहीं होते। यू नीड टू गिव समथिंग एविडेंस। जैसे जब जीडी कर रहे हैं, किसी व्यक्ति ने कोई पॉइंट बोला तो आप बोलेंगे भाई अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड इंडिया हैज़ गॉट अ बिग प्रॉब्लम लाइक कोविड, कोई उसने बोला है तो आप बोल सकते हैं, लेकिन आप ये अगर आप खुद नहीं कह सकते अकॉर्डिंग टू मी इंडिया हैज़ ए बिग प्रॉब्लम, राइट? यू कांट से हाँ बेस, लेकिन आप उसका नाम नहीं कह सकते, उसने कहा, यू आर टेलिंग देम द प्रूफ, यू आर शोइंग द प्रूफ, ही इज द गाय, दैट इज द थिंग। जैसे अभी आप, अगर आपको बताना पड़ जाए कितने केस हैं कोविड केसेस, तो आप क्या बोलेंगे? अगर आप ये कहेंगे अकॉर्डिंग टू मी 70,000 कोविड केसेस आते हैं, तो वो वुड बिलीव, क्या प्रूफ है भाई मैं कह रहा हूँ, तुमसे क्या मतलब सबूत? तो आप अकॉर्डिंग टू टीवी चैनल्स इंडिया हैज ओवर 70,000 कोविड केसेस, या ओवर यूज करें चाहे मोर देन, एक ही बात होती है। या तो आप ये बोल दें अकॉर्डिंग टू टीवी चैनल्स इंडिया हैज मोर देन 70,000 कोविड केसेस, जी हाँ, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टीवी चैनल्स हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मी नहीं कह सकते। अगर आपको कोई बात अपनों की, आप ही कह रहे मैं कह रहा हूँ सर मेरे अनुसार, तो आप अकॉर्डिंग टू मी की जगह इन माई ओपिनियन लगाएंगे, इन माई ओपिनियन इंडिया हैज ओवर 70,000 कोविड केसेस। और अकॉर्डिंग टू मी का कभी यूज होगा? जब आप ही मेन अथॉरिटी हैं वहाँ पे, यानी अब आप ही को डिसाइड करना है, आप ही डिसीजन लेंगे। जैसे अभी 2 से 3 दिन पहले मोदी जी ने एक मीटिंग ली जिसमें देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की, वो बैठे, सब ने अपनी राय दी। अब सबने कहा होगा जी अब आप अपना बताइए प्रधानमंत्री जी, आपने क्या सोचा? तो प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो बोले अकॉर्डिंग टू मी वी शुड गो विद लॉकडाउन 4, यहाँ पे ही इज द अथॉरिटी, ही इज द अथॉरिटी, तो वो बोल सकते हैं। तो इसलिए तभी बोला जाए, बट चूंकि हम तो अथॉरिटी है नहीं, तो इसलिए हम लोग यूज करेंगे इन माई ओपिनियन। क्या यूज करेंगे? इन माई ओपिनियन, जी हाँ, अकॉर्डिंग टू मी को छोड़ दीजिए। बिल्कुल जाकर चेक कीजिएगा, ऑक्सफोर्ड को चेक कीजिए आप, लॉन्गमैन डिक्शनरी चेक कीजिए आप, कई सारे बुक चेक कीजिए, जी भाई जहाँ ग्रामर जिसको नॉलेज है वो किताबें यूज करें आराम से, जहाँ जहाँ लिखा हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू के सिनोनिम्स भी हैं, ये आके बहुत कम आएंगे, जो लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं उनके बहुत कम आएंगे,
जैसे एज बिलीव बाई रिपोर्ट्स, एज क्लेम बाई रिपोर्ट्स, ऐसे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बोला, कई भी जगह लिखा होता है एज बिलीव बाई रिपोर्ट्स, एज क्लेम्ड बाई रिपोर्ट्स, एंड जैसे रिपोर्ट्स का दावा है, राइट, रिपोर्ट्स के विश्वास के अनुसार, एज डिटर्मिंड बाई रिपोर्ट, रिपोर्ट्स के कहे अनुसार, एक्सप्लेन बाई रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के कहे अनुसार, यहाँ भी एज मेंशन बाई रिपोर्ट्स, एज रिपोर्टेड बाई रिपोर्ट्स, एज स्पेसिफाइड बाई रिपोर्ट्स, एज स्टेटेड बाई रिपोर्ट्स, बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स, कन्फर्मिंग टू रिपोर्ट्स, इन रिलेशन टू रिपोर्ट्स, इन द लाइट टू रिपोर्ट्स, रेफरिंग टू रिपोर्ट्स, इन सब का मतलब एक ही है, अकॉर्डिंग टू, इनकी जगह ये लगा लेते तो जब रीडिंग कॉपरेशन करें तो आपको समझ में आए। दिस इज वो एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपने बोला इजीडी चल रही है और इंडिया पाकिस्तान को बहस हो रही है, तो आप बोलना चाहें भाई पाकिस्तान इंडिया पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। अब आपके पास दो सोर्स है, या तो आप अपने मन से बोलें या फिर दो ही चैनल बोल तो बहुत जाते हैं कि इंडिया टीवी और जी न्यूज़, तो आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू जी न्यूज़, अकॉर्डिंग टू इंडिया टीवी, पाकिस्तान इज प्लानिंग टू अटैक ऑन इंडिया। एक होता आपने बोला इन माई ओपिनियन पाकिस्तान इज प्लानिंग टू अटैक ऑन इंडिया, आप यहाँ पे नहीं बोलेंगे अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि यू आर अथॉरिटी एंड यू मस्ट हैव द प्रूफ, यू आर नॉट द प्रूफ, तो प्रूफ क्या आपके पास, रिपोर्ट्स, टीवी चैनल की रिपोर्ट। तो अकॉर्डिंग टू जी न्यूज पाकिस्तान इज प्लानिंग टू अटैक ऑन इंडिया, राइट। सो माई डियर फ्रेंड्स, इफ वी हैव लाइक्ड द नॉलेज ऑन अकॉर्डिंग टू मी, प्लीज लाइक इट, कमेंट इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच। मैं राहुल शर्मा, अमृत इंस्टीट्यूट भोपाल से, थैंक यू वेरी मच।